हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 16 से 19 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं, कई दिनों के हैं, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो होगा। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर नाम क्या है? परम सिद्धि। उसे विश्व की जो शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उनमें कौन सा स्थान मिला है दुनिया में? आंसर होगा 63, 63वां स्थान मिला है, रैंकिंग मिली है भारत के जो सुपर कंप्यूटर है उसको, परम सिद्धि को। और ये जो रैंकिंग का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो 16 नवंबर को जारी किया गया है। और इस रैंकिंग में भारत के दो सुपर कंप्यूटर को दुनिया के टॉप 500 लिस्ट में शामिल किया गया है। तो उसमें सबसे बेहतरीन भारत का जो परम सिद्धि था, जिसके 63 रैंक मिला है दुनिया में, और दूसरा है मिहिर, उसे 146 यानी 146वीं रैंक मिली है। और दोनों जो सुपर कंप्यूटर है, वैसे तो सुपर कंप्यूटर भारत में बहुत सारे हैं अलग अलग वेरियंट के, लेकिन ये जो दो सुपर कंप्यूटर हैं उसे सीडैक और जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटरिंग मिशन है उसके तहत विकसित किया गया है। परम सिद्धि की स्पीड क्या है, कई बार ये भी हो सकता है पूछा जाए, तो उसकी आरपिक स्पीड जो है वो है 5.267 पेटा फ्लॉप्स, ओके, और आरमैक्स में कहेंगे तो ये 4.6 पेटा फ्लॉप्स होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षित स्मारकों पर किस तरह की फिल्मों की शूटिंग की फीस पर छूट देने का फैसला किया है? देखिए, हर जगह जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, भारत भर में, तो उनमें शूटिंग के लिए कुछ फीस लगती है, कहीं 1 लाख, कहीं 25,000, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, तो उस पर छूट देने का फैसला किया गया। तो किस तरह की फिल्मों पर? आंसर है राष्ट्रीय महत्व की फिल्मों पर, नेशनल इंपॉर्टेंस की जो फिल्में हैं उस पर। और ये छूट जो है, ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो जन्मदिन आने वाला है 25 दिसंबर उस समय से शुरू होगा और अगले साल स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2021 तक ये लागू रहेगा। तो इस दौरान तक राष्ट्रीय महत्व की अगर कोई फिल्म है शूटिंग करनी है, ये बताना होगा प्रोड्यूसर्स को, तो उसके बाद उन मॉन्यूमेंट्स पे, स्मारकों पर फीस नहीं लगेगी। ये ऐलान किसने किया? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं यानी यूनियन कल्चरल मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल, तो उन्होंने ये ऐलान किया है। और उनका कहना है कि देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने का सेलिब्रेशन का ये भी एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग ने किस एक्टर को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है इलेक्शन से रिलेटेड? आंसर होगा सोनू सूद, आप सब जानते हैं, और वह अब पंजाब में जो चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी है उसके प्रति लोगों को जागरूक करते नजर आएंगे, ओके? तो और सोनू सूद के बारे में आप जानते ही हैं, उन्होंने बिहार जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी उन्होंने अपील की थी, और ख़ासतौर पर लॉकडाउन पे तो काफ़ी काम किया था उन्होंने। तो पंजाब की बात हो रही है, उसके गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर, और चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन, एक बुक है आई एम नो मसीह, इसके राइटर कौन है? आई एम नो मसीह, हिंदी में इस बुक को कहेंगे मैं मसीहा नहीं हूँ, इसका आंसर होगा सोनू सूद, ओके? तो सोनू सूद ने ये कहा है कि वो अपनी आत्मकथा लेकर आ रहे हैं और इसमें इसका नाम है मैं मसीहा नहीं हूँ, ओके? अभी तो इंग्लिश में बुक है, इंग्लिश वर्जन में, फिर हिंदी में भी वो उनका कहना है कि वो आएगी बुक, और दिसंबर में ये लॉन्च होनी है। पेंगुइन रैंडम हाउस जो है वो पब्लिश कर रहा है इसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 16 नवंबर 2020 को चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की कौन सी भी बार शपथ ली है? ये इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के फिर से नीतीश कुमार, लेकिन कैवी बार? आंसर होगा 7वीं बार, ओके? और बिहार में ये एक तरह का रिकॉर्ड है। बिहार के गवर्नर कौन है? फगु चौहान, तो उन्होंने ही 16 नवंबर को ये शपथ दिलाई उनको, और रिकॉर्ड 7वीं बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। उनके साथ साथ दो डिप्टी CM और कुछ अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली, और ये गठबंधन पार्टियों के नेता भी इसमें शामिल हुए थे इस शपथ ग्रहण समारोह में।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है। बिहार के उप मुख्यमंत्री का नाम बताएं, कौन है उप मुख्यमंत्री? आंसर होगा ए और बी। ओके, कौन कौन? तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, ये दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। और शपथ ग्रहण जो समारोह हुआ था 16 नवंबर को, तो उसमें इन दोनों को बनाया गया है। तो बिहार में अब एक चीफ मिनिस्टर तो है ही और दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए हैं। पहले एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। ओके, इससे पहले जो सरकार थी उसमें सुशील कुमार मोदी थे, अब ये दोनों आ गए हैं। तो ये नाम जो है वो भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है 18 नवंबर 2020 को, तो किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रह चुकी थी, एक्स गवर्नर किस राज्य की? आंसर होगा गोवा। देखिए, वो 26 अगस्त 2014 से 23 अक्टूबर 2019 तक, पिछले साल तक गोवा की गवर्नर रहीं। और एक और बात बता दूँ कि गोवा की वो पहली महिला गवर्नर थी। तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कि गोवा की पहली महिला गवर्नर का नाम बताएं जिनका निधन नवंबर में हुआ है। ओके, तो इनका नाम होगा, और हिंदी भाषा की साहित्यकार थी, कई पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। एक बायोग्राफी है राजमाता विजया राजे सिंधिया पर उन्होंने लिखी थी, बुक का नाम था एक थी रानी ऐसी भी। ओके, तो काफ़ी चर्चित भी थी। और मैं बता दूं, मृदुला सिन्हा बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी मूलतः। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है विद नोट्स एमसीक्यू है जनवरी से अक्टूबर तक का, आप ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ है। और 2019 का भी करंट अफेयर्स है पीडीएफ अवेलेबल, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएंगे, चाहे यूपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, सबके लिए। स्पेशली नोट्स जो उसमें दिए हुए हैं वो काफ़ी मदद करेगा आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है 16 नवंबर को? इसका आंसर है राजस्थान। प्रधानमंत्री ने जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, तो उनके सम्मान में जो बनाई गई थी प्रतिमा उनको उनकी, तो उसका अनावरण किया। उनकी जयंती भी थी उस दौरान। ओके, 191वीं यानी 151st जयंती मनाई गई है। तो 151 इंच यानी 151 इंच ऊंची मूर्ति का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। राजस्थान में यह स्थापित हुआ है। वहां के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड COPD डे कब मनाया जाता है? COPD का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। आंसर होगा इसका नवंबर के तीसरे बुधवार को, ठीक है। और इस साल ये जो दिवस है वो 18 नवंबर को मनाया गया है, तो ध्यान रखना आप 2020 में 18 नवंबर। और ये दिवस क्यों है? उद्देश्य यही है, फेफड़े से संबंधित जो बीमारियां हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। और दुनिया भर में COPD से संबंधित जो दिक्कतें हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके। ओके, और ये अभी कोरोना के माहौल में, कोरोना पेंडेमिक में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये फेफड़े से रिलेटेड और सांस की नली से रिलेटेड ये मामला है। तो COPD इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और जिसको COPD है, दिक्कत है, उसको कोरोना अगर हो जाता है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। ओके, तो 2020 की थीम क्या है, इस साल की थीम, लिविंग विद COPD एवरीबॉडी एवरीवेयर। ओके, ये है अगला क्वेश्चन, गायों की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने देश की पहली गौ कैबिनेट बनाने का फैसला किया, बनाई दिया है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ये 6 विभागों की एक गौ कमेटी बनाई गई है, और ये जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गौ से रिलेटेड देश भर में काफ़ी कुछ होता रहता है। और पहली बार ये गौ कैबिनेट की स्थापना हुई है। मुख्यमंत्री हैं वहाँ के शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने ये जो है गठन किया है। तो मध्य प्रदेश की बात हो रही है, गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल प्रभारी गवर्नर है अभी। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 से 24 नवंबर, ये फिक्स है। ओके, WHO द्वारा घोषित है ये। और 2020 का स्लोगन क्या है? एंटी माइक्रोबियल्स हैंडल विद केयर। ओके, देखिए ये इंपॉर्टेंट डे क्यों है, क्योंकि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो दवाएं दी जाती है यानी एंटीबायोटिक्स,
वो अब बेअसर हो रही हैं। बैक्टीरिया जो है वो अपनी संरचना में बदलाव कर लेता है, तो ऐसे में दवाएं काम नहीं करती हैं। ओके, तो बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिन पर जो है बैक्टीरिया जो है वो अपनी ताकत बना ली है, प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है, और इसलिए एंटीबायोटिक अब बेअसर हो रही है कई सारे मामले में। जैसे टाइफाइड का ही ले लें तो उसमें जो दवाई दी जाती थी फ्लोक्सोसिन, वो ज़्यादातर मरीजों पर अब ये बेअसर है, पहले ही वही असर करती थी। तो एंटीबायोटिक को लेकर बहुत ज़रूरी है जानना कि ये बैक्टीरिया को मारता है, वायरस को नहीं मारता है, और लोगों को हर समय एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हीं पर खतरा हो सकता है। ओके, खतरा कैसे होगा कि बैक्टीरिया जो है वो इम्यून सिस्टम ले ले और फिर दवाएं खाएं, असर ही ना हो उसकी वजह से। अगला क्वेश्चन, अब 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर होगा एस जयशंकर, विदेश मंत्री हैं भारत के, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व किया। और इस शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो वियतनाम के प्रधानमंत्री ग्वेन जुआन फुक उन्होंने की है, 18 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत ने COVID-19 आसियान रिस्पॉन्स फंड में कितनी रकम की वित्तीय सहायता का विस्तार किया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का फैसला किया है, विस्तार किया है? आंसर होगा $1 मिलियन। ओके, ये ऐलान कब हुआ? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान। ओके, कब हुआ? तो 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया है। और आपको पता ही है, मैंने कल के करंट अफेयर्स में बताया था कि उसकी जो समिट हुई थी उसकी सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और एक और अध्यक्षता की थी वियतनाम के प्रधानमंत्री ग्वेन जुआन फुच ने। ओके, तो क्या है आसियान? दक्षिण पूर्व एशियाई जो 10 राष्ट्र हैं, संगठन है उसका, बहुत प्रभावशाली एक समूह है, संगठन है 10 देशों का। उसमें कई सारे देश हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सब शामिल है उसमें। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 के विजेता का नाम बताएं, कौन है विजेता? आंसर होगा सादत रहमान, वो बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश के, और ये सम्मान उनको साइबर बुलिंग को रोकने के लिए एक उन्होंने संगठन स्थापित की थी और मोबाइल ऐप भी बनाया था साइबर टीन्स, तो उसको विकसित करने के लिए, संगठन बनाने के लिए ये जो भागीदारी की उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। मात्र 17 साल के हैं, और ये अवार्ड नीदरलैंड में एक आयोजित हुआ था समारोह, उसमें नोबल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ जई हैं, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड बन गया है। हम अगला क्वेश्चन, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता का नाम बताएं, आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। ओके, तुर्की के इस्तांबुल में ये आयोजन हुआ था। लुइस हैमिल्टन जो है वो ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज चलाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल प्रेस डे? इसका आंसर होगा 16 नवंबर। ओके, ये PCI यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। देखिए, हुआ ये कि 1956 में भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल के गठन के लिए एक आयोग कमीशन का बनाई गई थी, और उसके बाद फिर उस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 4 जुलाई 1966 को प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई थी। ओके, हालांकि ये जो प्रेस काउंसिल है वो 16 नवंबर 1966 से प्रभावित हुई थी, 16th नवंबर 1966 से, तो इसीलिए ये 16 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अभिनेता यानी एक्टर सौमित्र चटर्जी, उनका निधन हो गया 15 नवंबर 2020 को, तो किस राज्य से थे? आंसर का पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से थे, और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, देश विदेश में बहुत सारे पुरस्कार जीते, अवार्ड बहुत सारे जीते। 2004 में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया था, और 2012 में उनको सिनेमा का जो सबसे बड़ा भारत का सम्मान है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2012 में उनको दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखने की बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रवि बेलगेरे, उनका निधन हो गया 13 नवंबर 2020 को,
तो किस काम की वजह से प्रसिद्ध थे, क्या उनका काम था? तो आंसर होगा लेखन और पत्रकारिता। ओके, कर्नाटक से थे और बेलगेरे उनको यानी बेलगेरे को कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, जैसे कर्नाटक साहित्य अकादमी, कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार, तो इस तरह के बहुत सारे अवार्ड उनको मिल चुके हैं और एक जाना माना नाम था उनका। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ट्राम पुस्तकालय किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ओके, देखिए पश्चिम बंगाल परिवहन निगम और APJ आनंद चिल्ड्रेंस लाइब्रेरी उसके द्वारा ये संयुक्त रूप से इसको तैयार किया गया है। 1000 से ज़्यादा किताबें होंगी और ट्राम चलेंगी और वो लाइब्रेरी भी रहेंगी अलग अलग वक्त पे अलग अलग जगह पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। RBI ने नवंबर 2020 में किस बैंक से 25,000 से ज़्यादा नकद निकासी पर रोक लगा दी है? बड़ी बात है। आंसर होगा लक्ष्मी विलास बैंक। ओके, RBI ने जो है वो उसने ये रोक लगाई है और क्योंकि जो बैंक लक्ष्मी विलास बैंक उसकी हालत ख़राब हो गई है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, तो 30 दिन के लिए ये मोरेटोरियम के अंतर्गत रखने का आदेश हुआ है RBI के द्वारा। ओके, और जो निदेशक मंडल था, डायरेक्टर लोग थे, उनको भी हटा दिया गया है। ओके, तो लक्ष्मी विलास बैंक का मामला है। मुख्यालय कहाँ? चेन्नई में है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। RBI ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी विलास बैंक का नया प्रशासक यानी न्यू एडमिनिस्ट्रेटर किसे बनाया है? आंसर होगा TN मनोहरन। ये भी नाम ध्यान रखना क्योंकि पिछली बार यस बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके एग्जामिनेशन में, जब पूछा गया था कि यस बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर किसे बनाया गया था उसके बोर्ड को भंग करके, तो यहाँ भी आप ध्यान रखना। ये बात हो रही है किस बैंक की? लक्ष्मी विलास बैंक के, तो उसके जो नए एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं TN मनोहरन, हालांकि ये कुछ दिन के लिए होंगे, उसके बाद फिर दूसरे आ जाएंगे या एक बोर्ड बन जाएगा। ओके, तो वो केनरा बैंक के पूर्व नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रह चुके हैं। कौन? तो TN मनोहरन। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 16 से 19 नवंबर 2020 का, आगे का भी करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। ओके, और दोस्तों अगर आपने PDF नहीं देखा है, नहीं लिया है 2020 का करंट अफेयर्स का जनवरी से अक्टूबर तक का, तो देख सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 2019 का भी है PDF अवेलेबल, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। और हाँ, अभी जो आपने वीडियो देखा उसका सारा कंटेंट PDF वो फ्री में अवेलेबल है, मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।